जी मैं और माजिद भाई मौजूद है। माजिद भाई आपको याद है, जरा छेड़ते हैं वक्त, गुजरे दिनों का तस्करा। जी जुनैद भाई, याद पड़ रहा है वो पहले जो सिलेबस हुआ करते थे, बड़े सिंपल से और टू द पॉइंट होते थे। आजकल तो इंटरेक्टिव सिलेबस है। इंटरेक्टिव थे, उसमें आपको इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं अभी होती कुछ थी। देर पहले मैं और माजिद भाई कुछ अपनी वो जो पास्ट की नज़में थी वो याद कर रहे थे, तो सबसे पहले उसमें बारिश का वो मौसम बना हुआ था, तो हमें वो नज़म याद आ गई कि गंगूर गटा तुली खड़ी थी, कुछ इस तरह से वो था। नहीं गर्मी, खैर चलें उसको भी याद आ जाएगा। इसके इसके अलावा अलावा बहुत सारी नज़में थी। मैंने बुलबुल का बच्चा मैंने बुलबुल था, बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता पीता था था पानी, पानी, गाता था गाने, बुलबुल का बच्चा। एक और था आओ मिलकर काम आओ करें, मिलकर काम करें एक दूसरे मिलकर के साथ, खुदा नाम करें, बिल्कुल इस तरह। आओ मिलकर काम करें, मिलकर पैदा नाम करें, तो खूब अनाज उगाने वाला, इस तरह बिल्कुल से इस कुछ। तरह के क्या बाकी आपको याद होगा जुगनू एक पोएम हुआ जुगनू करते थे। इकबाल की पोएम थी, और उसमें असल में ये सारे ऐसे लेसन थे जो हमें याद थे। इसी तरह से चिड़ियाघर की घर की सैर के हवाले से थी कि एक हमने घनेरा चिड़िया जंगल देखा, जिस जंगल में मंगल देखा, हम चीर तो दयार बलूत खड़े थे, दो दो छोटे छोटे थे थे, चार चार बड़े बड़े थे, थे, मखमल जैसी घास बिछी थी, दूर बिछी थी, पास बिछी थी, और पंछी देखे रंग बिरंगे, एक रंगे दो रंगे तिरंग, देखे मदल जमीका के, दो तोते अमेरिका और के, सुरखाब का पर और देखा देखा, हमने हमने चिड़िया घर देखा। चिड़ियाघर देखा। तो ये पोएम्स थी, इनमें काफी एक और था, थोड़ा थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम, थॉट था। और वो यकीन जानिए इट हैज बीन मोर देन 30 ईयर्स और अभी तक हमें याद अभी है तक वो वो नजमें। एक शेर मुझे अभी भी याद पड़ रहा है, खत्म तेरा सफर नहीं होता, नहीं नहीं होता होता मगर मगर नहीं नहीं होता। होता, बिल्कुल जी तो वो ये एक पंचकी के क्लियर हवाले से मैसेज था। है जूस के लिए कि आप स्ट्रगल करें और अपने लिए कुछ जो आपका स्ट्रगल है आप उसको जारी रखें, और इसमें आपका जो काम खत्म नहीं होना और इसी चाहिए। तरह से एक और दुआ थी, दुआ अल्लाह तू प्यारा सबका, प्यारा और सहारा सबका, सबका दिन दिन का का मालिक, मालिक, बात रात का का मालिक, मालिक, दुनिया की हर हर बात बात का का मालिक, मालिक, तू ही मुसीबत आने वाला, खूब अनाज उगाने वाला, सब बंदे हैं हम सारे तेरे, और हम सबको तू नेक बना दे, सबके दिल को एक बना दे। मैसेज था काम आखिर में बनाने वाला यूनिटी और बच्चों में। फिर इसी तरह से हम जब छोटे थे, दुरूद उन पर सलाम उन पर, एक बुलंद नबियों में नाम उनका, नाम वो हक के वो हमारे हादी, खुदा के प्यारे नबी, हमारे हमारे नबी, नबी, इन सारी चीजों में एक मैसेज था। फिर इसके अलावा जी वो तख्ती लिखते थे, तख्ती लिखते थे और तख्तियां लड़ाते भी थे, तख्तियों की लड़ाई होती थी, जिसकी और यूं तख्ती को हवा में लहरा के सुखाते थे, और हम लोग जब तख्ती लिख लेते तो उसको फिर धोते थे एग्जैक्टली, और उसको जो ग्लासमोरा है उसके साथ धोते थे। और आपको याद होगा जो इंक थी वो इंक हम बनाया करते थे, और उसके इंक को उसको गाढ़ा करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप का वो भी यूज करते थे, और साथ साथ हम कलम को हिलाते थे और पढ़ते थे कि कागा कागा शाही बा, आने दे मलोक जैसी, यस आना थे रोक जैसी, चिड़िए चिड़िए पानी बा। और मुझे याद है जब मैं कलम उसमें इंक पॉट में दवात में डालता था, फिर उसको ऐसे कैसे वो और जिधर बैठ के तख्ती लिखते थे वो जगह बिल्कुल वो ब्लैक। और अभी आप एक मजे की बात बता रहे थे कि जब अगर इंक खत्म हो जाती तो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलावट भी किया करते थे। बिल्कुल वो कोयला घर में जो होता था उसको उसको मिला लेते थे, और पेंसिल पुरानी नजर आती थी उसको तोड़ के उसके अंदर से वो जो लेड है उसको निकाल के वो डाल देते थे इस तरह की चीजें। और अमूमन पेंसिल शार्पनर जिसे आजकल कहते हैं वो कम बच्चों के पास होती थी। हमारे एक टीचर होते थे बड़ी अच्छी तरीके से शार्प करते थे, वो पेंसिल उनके पास चाकू जेब में होता था बिल्कुल, और बड़ा अच्छा दौर गुजरा था। ये थी तारीख के कुछ औराक हम पलट ले रहे थे, तो मैंने कहा शेयर करते हैं आप लोगों के साथ भी। इसी तरह हम मैं तो ये समझता हूँ कि हम लकी हैं जो अब 35 में हैं, क्योंकि हमने दोनों जो मॉडर्न एज और तीनों ये ट्रांजिशन देखी, हमने तीनों ट्रांजिशन देखी बिल्कुल, ये पुराना दौर, दरमियाना दौर और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आईपैड और गैजेट्स का दौर है ये। तो हमने ये सारे देख लिए हैं थोड़े अरसे में, और हमने अपनी पता नहीं बहुत कुछ, कोरोना भी देख लिया, फ्लड भी देख लिया, कुछ भी देखा हमने अपनी छोटी सी लाइफ में, बहुत कुछ देख लिया। बाकी जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है उनके साथ जब हम बात करेंगे इस तरह की कि हम ऐसे पढ़ते थे, वो तो हंसेंगे इसके ऊपर या उसको एंजॉय करेंगे, जाहिर है उनको अनहोनी पैराडॉक्स से बात लगेगी बिल्कुल। तो असल में ये सारी बात छिड़ी थी सफर के हवाले से, जब हम निकले तो हमने कहा कि डिस्कशन से हमने अपने सफर का आगाज किया था,
और साथ साथ ही अगर आप देखें तो हमने अपनी सेहत के हवाले से बात की थी, तो आज की जनरेशन को, बच्चों को इन चीज़ों का ख्याल नहीं है। हमें कोरोना आया तो फिर इम्यूनिटी का ख्याल आया, इसी तरह से अपनी हेल्थ के लिए हमें घरों से निकलना चाहिए और वॉक को रूटीन बनाना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए और हम उस जगह पे जाके खड़े हो जाएं जहां से हमारी सेहत मुसलसल डिक्लाइन कर सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर खाना नहीं भी मिलता तो ना मिले, लेकिन आप जो अपनी डेली वॉक है उसको आप अपना मामूल बना लें अपनी जिंदगी का, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग करें, तो इससे आपका ये जो मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर हो जाएगा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहता है तो आप बहुत सारी बीमारियों से अल्टीमेटली बच जाते हैं। वेल, आज तो थे हम इस पाइपलाइन ट्रैक पे यूबिया में, होपफुली हमारी ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये डिस्कशन आपको अच्छी लगती है इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आप कुछ अच्छे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि उनमें मजीद डिस्कशन हो या आपकी क्या यादें थी, कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। माजी भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।